नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने TET परीक्षा को किया खत्म, अब CTET परीक्षा से ही बन पाएंगे शिक्षक। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पल्स पोलियो अभियान के दौरान टीका नहीं लेने वालों की होगी पहचान। बिहार में गांव की सड़कों पर भी लगेंगे सुरक्षा संकेतक, सड़क हादसे रोकने के लिए की जा रही है पहल। बिहार में वेटनरी छात्रों का 3 गुना बढ़ा इंटर्नशिप भत्ता, अब प्रति माह मिलेंगे इतने हजार। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 पर पहले बनेंगे अंडरग्राउंड स्टेशन, फिर रूट लाइन, काम शुरू। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक, जाने किन वस्तुओं पर रहेगी रोक। बिहार में जिलों को भेजी गई 1.48 करोड़ रुपए की पुस्तकें व लीफलेट गायब, प्राथमिकी दर्ज, जाने पूरा मामला। बिहार के स्कूल कॉलेजों में इंटर के नामांकन की जल्द होगी शुरुआत, बोर्ड ने जारी की सूची। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब इसे खत्म कर दिया है। यहाँ अब केंद्र सरकार की तरफ से होने वाले CTET परीक्षा से ही शिक्षक बन पाएंगे। शिक्षा विभाग ने फिलहाल राज्य में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियमित रूप से CTET कराई जा रही है, इसीलिए विभाग को TET कराने की जरूरत नहीं है। इस तरह प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में अब तक TET और CTET पास अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि इसमें आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर शिक्षा विभाग विचार कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने इस संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में लिखकर बताया है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है। पत्र में प्राथमिक निदेशक ने बताया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो चुकी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। ऐसे में अब स्वास्थ्य कर्मी पल्स पोलियो अभियान के दौरान घर घर जाकर टीका नहीं लेने वालों का भी पता लगाएंगे। इसके साथ ही राज्य में घर घर दस्तक अभियान की भी शुरुआत की गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी होने की जानकारी मिली है। हम लोग कोरोना को लेकर पहले से ही पूरी तरह सचेत है। उन्होंने बताया है कि राज्य में 1 जून से हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारी टीम घर घर जाकर कोरोना टीका लगा रही है। साथ ही राज्य में 19 जून से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान से जुड़ी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी घर घर जाकर यह पता करेगी कि कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, कितने लोगों ने दूसरा डोज और कितने लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, जिसके बाद पोलियो टीम कोरोना के टीम को यह जानकारी देगी। बिहार में आए दिन सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाती है, इसी से चिंतित होकर सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार अब राज्य के गांवों की सड़कों पर भी सुरक्षा संकेतक लगाने की योजना बनाई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने गांवों की नई एवं पुरानी सभी सड़कों पर संकेतक लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिस जगह संकेतक नहीं लगाया जाएगा वहां से संबंधित इंजीनियरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार के 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा संकेतक लगाने का निर्देश दिया है। इसे नई पुरानी सभी सड़कों पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। गांव में संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने इंजीनियरों को इस आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया है। बिहार सरकार पशु चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के इंटर्नशिप को 3 गुना करने जा रही है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मसौदा तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। PG के विद्यार्थियों का अलाउंस भी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर के समान मिले, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। सरकार की मंजूरी मिलते ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न को 5,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये का भत्ता मिलने लगेगा। सचिव डॉक्टर सरवन कुमार ने विभागीय अधिकारियों की कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभाग स्तर पर सहमति बन चुकी है। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में ग्रेजुएट के विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप करते हैं।
इस दौरान इनको 5,000 रुपये का अलाउंस दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 6 मई को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के ऑडिटोरियम में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में छात्रों से समस्याएं पूछी थी। विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप भत्ता और पीजी अलाउंस में बढ़ोतरी करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार और कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह को निर्देश दिया था कि यह वह प्रस्ताव भेजे। सरकार छात्रों की मांग पूरी करने की कोशिश करेगी। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी कि कॉरिडोर 2 पर एलिवेटेड के बाद अब अंडरग्राउंड रूट पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके एलिवेटेड रूट मलाही पकड़ी से ISBT पर पहले ही करीब आधे से अधिक पिलर तैयार कर लिए गए हैं। अब इसके अंडरग्राउंड रूट पटना जंक्शन से फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए राजेंद्र नगर पर भी घेराबंदी कर काम की गति तेज कर दी गई है। अंडरग्राउंड रूट पर सबसे पहले स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आकाशवाणी, गांधी मैदान, विश्वविद्यालय और मेयूनिल हक स्टेडियम के पास खुदाई चल रही है। तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद यहां पर भूमिगत स्टेशन निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहां मिट्टी जांच का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। बिहार में 1 जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार की एक साल पहले जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार में भी 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेटें, कप, गुब्बारे की डंडियां, चम्मच आदि का उपयोग कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक कि इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद इस तरह का प्लास्टिक उपयोग करके वस्तु बनाने वाले उत्पादकों और इनका इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को 1 साल का समय दिया गया था। इन वस्तुओं को ठिकाना लगाना था। यह समय अवधि 1 जुलाई को खत्म होगी। इसी दिन से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग पर रोक रहेगी। इस तरह प्लास्टिक से प्रदेश में प्रदूषण न फैले, इसे देखते हुए पूरी तरह से रोक रहेगी। राजधानी पटना के कदमकुआं थाने में एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायती राज विभाग के 1,48,82,307 रुपये 50 पैसे की पुस्तकें व लीफलेट गायब हो गई है। ये पुस्तक जिलों में देने के लिए रवाना तो हुई लेकिन नहीं पहुंची। इसकी जानकारी तब हुई जब सरकारी पुस्तक छापने वाले पटना ऑफसेट प्रेस के CEO शैलेश कुमार सिंह को फोन आया कि डिलीवरी पुस्तकें नहीं पहुंची है। जब CEO ने डिलीवरी करने वाले ट्रांसपोर्टर को फोन किया तो उसने कोई जानकारी नहीं दी। CEO ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कदमकुआं थाने में सरकारी पुस्तक गबन का प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में CEO ने कहा कि ये सभी पुस्तकें 4 जिलों मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा और गया में भेजी जानी थी। उन्होंने बताया कि ये सभी पुस्तकें कुल 12 जिलों के प्रखंडों में पहुंचाने का आदेश दिया गया था, जिसमें से शेष 4 जिलों में डिलीवरी करना बाकी था। पुस्तक छाप कर आपूर्ति के लिए मेसर्स यस वारिया सर्विसेज के मालिक पंकज कुमार को लिखित आदेश आया था। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा आपसी सहमति के साथ हस्ताक्षर कराकर हमारे कार्यालय को जमा किया गया था। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए 5 प्रकार की पुस्तकों का ऑर्डर हमारे प्रेस को दिया गया था। ये सभी पुस्तक पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों, मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों में वितरण करना था। 12 जिलों के प्रखंडों में 8 जिलों में तो ये पुस्तकें तो पहुंच गई, शेष 4 जिलों में डिलीवरी नहीं दी गई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन जिलों को भेजी गई पुस्तक कहां गायब हो गई। बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए कॉलेज में उपलब्ध सीटों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के संबंध में 14 जून तक बोर्ड ने कॉलेजों के प्राचार्यों से आपत्ति मांगी है। बोर्ड की तरफ से जारी सूची में कुल 5,328 स्कूल कॉलेज शामिल हैं। उन सभी स्कूलों एवं डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों से आपत्ति मांगी गई है जो इंटर की शिक्षा देते हैं। वहीं अगर इस पर किसी कॉलेज के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि कॉलेज को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। विषय एवं संकायवार सीटों की सूची बोर्ड की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जारी की गई है। अब सभी छात्रों की नज़र बिहार बोर्ड द्वारा सीटों की जारी सूची के बाद इंटर के नामांकन पर लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इंटर में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड की ओर से पहले ही जारी किया जा चुका है और अब सभी छात्र भी इंटर में नामांकन का इंतजार कर रहे हैं। अगर कंपार्टमेंटल परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो बोर्ड ने 10वीं की उसकी भी रिजल्ट जारी कर दी है।
बिहार के लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था। राज्य के कई जिलों में आज मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में राज्य में मॉनसून का आगाज हुआ है। इस मॉनसूनी बारिश में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल एक साथ भींग गए हैं। राज्य में इस साल भी मॉनसून ने अपने सामान्य आगमन तिथि के समय राज्य में दस्तक दे दी है। अब अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूरी ताकत के साथ मॉनसूनी हवाएं बादलों को साथ लेकर उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ आगे बढ़ रही है। इस साल प्रदेश में सामान्य से कुछ अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। IMD पटना निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि मॉनसून अगले 4 से 5 दिन में पूरे राज्य में पहुंच जाएगा। इस बार मॉनसून की बारिश व्यापक गरज के साथ बिजली और आंधी के साथ होगी। मासिक पूर्वानुमान के मुताबिक जून में हिमालय की तलहटी वाले जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। विवेक सिन्हा ने बताया है कि लगातार तीसरे साल बिहार में मॉनसून समय पर सक्रिय हुआ है। बुधवार की रात अथवा गुरुवार तक पटना में मॉनसून प्रवेश करने के आसार जताए गए हैं। जिसका कोई नहीं उन लोगों का SKMCH सहारा बनेगा। SKMCH में बेसहारा मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर उनकी बेहतर देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। SKMCH में मेडिसिन वार्ड के पास स्थित खाली जमीन में भवन बनाया जा रहा है। बेसहारा वार्ड में अन्य वार्ड की तरह 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ व स्टाफ नर्स तैनात रहेंगी, जो कि भर्ती मरीज की देखभाल करेंगे। यही नहीं, बेसहारा वार्ड में भी भर्ती मरीज को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तीनों टाइम खाना व समय पर दवा खिलाने के लिए बाकायदा एक केयर टेकर भी तैनात किया जाएगा। शुरुआत में बेसहारा वार्ड में 30 महिला व 30 पुरुष बेड की व्यवस्था होगी, लेकिन बेसहारा मरीजों की संख्या बढ़ने पर लावारिस वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। SKMCH के अधीक्षक बाबू साहब झा के मन में अस्पताल में लावारिस वार्ड बनाने का विचार उस समय आया जब वह बीते दिनों रूटीन में वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बेसुध व्यक्ति को स्थानीय लोग इलाज के लिए SKMCH के वार्ड में छोड़ गए हैं, लेकिन इलाज के दौरान लावारिस व्यक्ति के पास कोई परिजन मौजूद नहीं था। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।